किस मुस्लिम देश के एक राज्य में 97% हिंदू आबादी है? एक मुस्लिम देश के किस राज्य में सभी टॉप पोस्ट पर हिंदू हैं? मुस्लिम देश का कौन सा राज्य आज भी पौराणिक हिंदू राजा को पूजता है? दोस्तों, आपने मुस्लिम देश इंडोनेशिया का नाम तो सुना होगा। इंडोनेशिया विश्व का वो देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन इसी देश का एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य हिंदू डोमिनेटेड है। इस राज्य की लगभग 97% आबादी हिंदू धर्म को मानने वालों की है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडोनेशिया के इसी राज्य के कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के बाली राज्य की। गौरतलब है कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पूर्व में स्थित इस द्वीप राज्य का ये हिंदू नाम अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि करीब 1500 साल पहले पूरे इंडोनेशिया में मजापहित हिंदू साम्राज्य था, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया था और यहाँ मुसलमान सुल्तानों की सत्ता स्थापित हो गई। इसके बाद इंडोनेशिया के जावा और अन्य द्वीपों के संपन्न हिंदू लोग बाली द्वीप पर भाग आए। आज से करीब 100 साल पहले बाली में हिंदू राजा ही राज करते थे। तब ये एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन डच के कब्जे के बाद ये इंडोनेशिया का हिस्सा हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि 4th-5th शताब्दी में ही यहाँ हिंदू राज्य स्थापित हो गया था। पहले मुस्लिम और फिर 18वीं सदी में बाली में डच लोगों ने अपना कब्जा जमाया, लेकिन बाली के धर्म और संस्कृति पर इसका असर नहीं पड़ा। दोस्तों, मुस्लिम देश इंडोनेशिया का हिस्सा बनने के बावजूद बाली के हिंदू लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखे। इसमें भौगोलिक रूप से इसकी द्वीप वाली स्थिति भी काफी काम आई, जिसकी वजह से बाली के 97% लोग आज भी हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। दोस्तों, हिंदू संस्कृति की वजह से ही बाली में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ की कला, संगीत, नृत्य और भव्य मंदिर हर व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। बाली की राजधानी देन पसार नगर अर्थव्यवस्था का केंद्र है। बाली की अर्थव्यवस्था से लेकर अहम बिजनेस संस्थानों तक पर हिंदुओं का योगदान सबसे अधिक है। लगभग सभी संस्थाओं की टॉप पोस्ट पर हिंदू ही हैं। दोस्तों, बाली में आज भी लोगों के घरों में रामायण और महाभारत का पाठ रोज होता है। यहाँ के हिंदू लोग पूर्वज पूजा या पितृपक्ष पर अधिक जोर देते हैं। बाली के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, इसलिए वे मृत्यु को एक उत्सव के रूप में देखते हैं। बाली में मूर्तियों को काले सफेद चेक वाली लुंगी जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, कृष्ण, राम, गणेश, बुद्ध आदि सभी भगवान की मूर्तियों के दर्शन होते हैं। यहाँ मंदिर को पुरा कहते हैं। बाली की सरकार ने खुद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की हैं, जिनमें शिक्षा और संगीत की देवी सरस्वती की मूर्ति भी शामिल है। बाली में कुल मिलाकर 10,000 से अधिक मंदिर मौजूद हैं। बाली उत्सवों की भूमि मानी जाती है। यहाँ का मुख्य त्योहार नियेपी है। इसे मौन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाली में मौजूद हर गली, घर और दुकान में मंदिर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ के रस्तों पर ताड़ के पत्रों से बनी टोकरियां देखने को मिलती हैं, जिनमें फूल, अगरबत्ती और थोड़ा भोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि ये टोकरियां वहां के लोग अदृश्य देवी देवताओं को समर्पित करते हैं। बाली द्वीप के नाम को लेकर भी एक धार्मिक कहानी है। बताया जाता है कि ये नाम पुराणों में वर्णित पाताल देश के राजा बली के नाम पर रखा गया है। यहाँ के लोग आज भी इस पौराणिक हिंदू राजा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। यहाँ रामलीला का मंचन होता है और साथ ही इन महाकाव्यों के आदर्शों का पालन भी किया जाता है। दोस्तों, भारत और बाली दोनों के हिंदू धर्म के रीति रिवाज में कुछ फर्क भी मिलता है। भारतीय हिंदू धर्म और बाली के हिंदू धर्म में सबसे बड़ा अंतर यह है कि बाली के लोग देवता को अदृश्य मानते हैं और बाली में हर मंदिर के भीतर कई छोटे मंदिर होते हैं। उनके भीतर ऊंचे स्तंभों पर आसन होते हैं। रोचक बात यह है कि इन आसनों पर कोई देवी या देवता विराजमान नहीं होते। ऐसा इसलिए कि वो आकाश, पर्वत या समंदर में रहते हैं। वे लोगों के समक्ष तब प्रकट होते हैं जब उन्हें कुछ अर्पित कर उनका आवाहन किया जाता है। उसके बदले में देवता सौभाग्य, शांति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहाँ के हिंदू समाज में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिलते हैं, लेकिन वहाँ के समाज में भारत की जाति व्यवस्था के बुरे पहलू नहीं दिखाई देते।
भारतीयों से अलग बाली के पुरुष भी बड़े प्रेम से अपने कान में चंपा और हिबिकस के फूल पहनते हैं। दोस्तों, बाली के हिंदू धर्म के चरित्र में ये जो अंतर दिखाई देता है वो बाहरी स्तर पर ही है। उसके मूल में वही सनातन हिंदू धर्म है जो सनातन काल से चला रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सनातन हिंदू धर्म एक बार फिर पूरी दुनिया में फैल सकता है? आपको क्या संभावना दिखती है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।